हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन। देखिए, आप जॉब लेटर बोल दीजिए या फिर जॉब एप्लीकेशन बोल दीजिए, बोथ आर सेम। एक दूसरी चीज का आपको और भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, कोई भी नेक्स्ट आपका जो अपकमिंग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसके अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जॉब लेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम होता है कवरिंग लेटर, इसका दूसरा नाम है। ये आपका जो है वो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, आपसे ध्यान रखना है। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो जॉब लेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन। दोस्तों, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन है वो आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और 5 मार्क्स में आपको नीट एंड क्लीन यानी कि एक साफ सुथरे अकेले एक पेज के ऊपर आपको ये लिखना है, बहुत ही अच्छे और इत्मीनान ढंग से आपको वहां लिखना है। ये चीज आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको छोटी बात बता दूं, ये आपका जो सेक्शन है लेटर वाला उसमें से आपका ये लिया गया है। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था लेटर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक आपका लेटर टू एडिटर होता है, एक ऑफिशियल लेटर होता है, उसके बाद में आपका बिजनेस लेटर होता है और फिर उसके बाद में आपका जॉब लेटर होता है। जॉब लेटर या फिर जॉब एप्लीकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम बोर्ड एग्जाम के जरिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको पूछने के 2 तरीके होंगे। कभी भी जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन जब भी आप व्हेनेवर यू राइट ओके, तो उसमें पूछने के 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या देगा आपको, एडवर्टाइजमेंट देगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपसे पूछ लेगा। एक तो एक चीज तो देखो ये होता है। दूसरा आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के जरिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, यानी कि जॉब लेटर कौन सी पोस्ट। हमेशा जॉब एप्लीकेशन किसके लिए लिखी जाती है, जॉब के लिए। वो जॉब किसी भी पोस्ट की हो सकती है, वो पोस्ट होता है, मान लीजिए आपको एक मैकेनिक की पोस्ट है या फिर इंजीनियरिंग की पोस्ट है या फिर एक टीचर की पोस्ट है या फिर आपको एक लेक्चरर की पोस्ट है या फिर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, बहुत सी ऐसे जो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, कभी जो भी होता है वो पोस्ट होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी कंपनी मान लीजिए, कोई भी संस्था मान लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट मान लीजिए, कोई भी आपका जो भी आपकी जो संस्था होती है वो क्या दे, या तो आपको एडवर्टाइजमेंट के जरिए देगी, जैसे कई बार आप अखबारों में देखते हो सिचुएशन वैकेंट या फिर रिक्वायर्ड, एक फिजिक्स लेक्चरर की रिक्वायर्ड है, कोई कंपनी में एक मैनेजर की उसकी पोस्ट है उसको रिक्वायर्ड है उसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही तरीके से सीखेंगे आज के सेशन में। मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी यहां पे दिखाऊंगा, आपको समझना है कि एडवर्टाइजमेंट भी कैसे लिखा जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपका सेक्शन बी होता है उसमें आपसे एडवर्टाइजमेंट पूछा जाता है और एडवर्टाइजमेंट में जो 4 मार्क्स का आता है उसमें आपका सिचुएशन वैकेंट वाला कोई भी पोस्ट होती है, आपके पास में वैकेंट है, आप उसकी क्या निकालनी है, आपको पोस्ट निकालनी है तो उसका आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये काफी सारी चीजें जो है आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एडवर्टाइजमेंट लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट के बारे में बताएंगे कि जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम फॉर्मेट जान लेते हैं कि इसमें आपको फिक्स वही चीजें लिखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से मैंने लेटर टू एडिटर में बताया था, उसके बाद में मैंने आपको जो आपका कंप्लेनिंग जो लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, उसमें भी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि वो फिक्स वही चीजें आपको लिखनी है, उसमें थोड़ा बहुत आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करना है, फिर आपके 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके डियर, तो चलिए देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कि फॉर्मेट में आपको फिक्स क्या क्या लिखना है। ओके, तो हम यही चीज आज जानेंगे। देखिए, यहाँ ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मेट को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि आपको एज इट इज यही लाइनें लिख के आनी है। सबसे पहले यहाँ सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, आप कोई भी एड्रेस, मैंने आपको जैसा कि पहले जो लेटर्स हैं उसमें बताया था कि कैसा भी एड्रेस अपने माइंड में एक रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, एड्रेस बनाना है। तो यहाँ सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे जिसको आप लिख रहे हो, मान लीजिए मैनेजर है कोई कंपनी का, उसको द मैनेजर लिख रहे हो, उसके बाद में कोई भी कंपनी का नाम है, फिर वो कहाँ पे लोकेटेड है वो आ जाएगा, या फिर मान लीजिए कोई पोस्ट है कोई इंस्टीट्यूट में,
आप लिख रहे हो जैसे कि डिफेंस पब्लिक स्कूल, या फिर जैसे कि द प्रिंसिपल, या फिर द मैनेजर, या फिर क्या जाएगा द चीफ, उसके बाद में कोई भी जैसे कि मुखिया होता है द सेक्रेटरी, उसके बाद में डिफेंस पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, डिफेंस पब्लिक स्कूल जोधपुर, बीकानेर, कोई भी एड्रेस यानी कि किसी भी आप संस्था को लिख रहे हो उसका यहाँ पे मैनेजर आ गया, सेक्रेटरी आ गया, चीफ आ गया, उसको लिख रहे हो आप, ओनर को लिख रहे हो आप, और वो उसका ये वाला एड्रेस है, यानी कि कोई भी लिखने वाली जो संस्था है जिसको आप लिख रहे हो उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा। समझ में आ गया इतना। उसके बाद में डियर सर है तो सर और मैडम है तो मैडम, आपको ये वाला लिखना है, सिक्वेंस आपका यही होना चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट के अंदर एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब किस चीज की पोस्ट के लिए लिख रहे हो आप, मैनेजर की पोस्ट है तो फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद में फिजिक्स लेक्चरर, उसके बाद में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद जो कुछ भी पोस्ट जिसके लिए क्लर्क मान लीजिए, कैशियर मान लीजिए, ये सारी सारी क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ बोला जाए कि आपको HDFC बैंक के अंदर एक कैशियर की आपको पोस्ट लेनी है, और वो आपने एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन में आपने देखा, तो आपने क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा द चीफ हेड या फिर द मैनेजर कुछ भी HDFC बैंक लिमिटेड जोधपुर बीकानेर, जो भी जिसका जहां पे सिचुएटेड है वो। उसके बाद में डियर सर डियर मैडम आ गया, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, जो कुछ भी है। उसके बाद में विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, अब हमेशा ध्यान रखो कोई भी पोस्ट जब निकलती है इन रेपुटेड संस्था के अंदर उसका विज्ञापन होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर। क्लियर हो गया आपको। अब वो रेफरेंस आप दोगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट नंबर, विद टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, अब कौन से न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर आपका कौन सा आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, जो कुछ भी है वो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है, अखबार का नाम लिखना है, और नहीं भी दे रखा है तो कोई भी नाम आप उसमें क्या कर दोगे, लिख दोगे वहां पे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड, अब किस डेट को, कोई भी पीछे कोई भी डेट डाल दो, मान लीजिए आप यहाँ पे आ गया 9 नवंबर 2022 या फिर 10 दिसंबर 2022 रिगार्डिंग ए वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क मैनेजर कैशियर लेक्चरर प्रोफेसर, जो कुछ भी वो पोस्ट आप लोग डाल दोगे। उसके बाद में आई एम राइटिंग टू यू एज आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम हियर, आई एम राइटिंग टू यू एज आई विश, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं भी इस सेम पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या करूं, अप्लाई करूं, तो ये अप्लाई करने की मेरी विश है, तो ये चीजें एज इट इज आप लोग लिखोगे। उसके बाद में हमें आगे और क्या लिखना है, उसके बाद आपको ये बोलना है आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, यानी कि आपको वहां पे कुछ न कुछ अनुभव वगैरह कुछ एक्सपीरियंस आप में जो है उसी फील्ड से रिलेटेड वो आपको दिखाना है। आई एम एलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट एज पर द क्वालिफिकेशन, जिस भी क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए है, जो भी क्वालिटी आपको चाहिए है, जो भी जिस भी काम के लिए आप लोग रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो जो सेड पोस्ट है, जो बताएगी जो पद है उसके लिए मैं क्या हूँ, एलिजिबल हूँ। आप ये जो लाइन है वो किसी भी लेटर के अंदर लिख सकते हो, किसी भी जॉब एप्लीकेशन के अंदर आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्वालिफिकेशन इन द सेम फील्ड, आई एम यंग एंड एनर्जेटिक, If I get a chance, यदि मुझे चांस मिलता है तो I shall prove to be an asset. एक मैं आपकी for your institute, for your company, for your bank, कोई भी सेक्टर के लिए और मैं क्या प्रूव हो जाऊंगा, आपकी जो है एक एसेट यानी कि आपकी एक संपत्ति के रूप में मैं वहां पे आपको साबित कर दूंगा अगर मुझे क्या है चांस मिलता है तो। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आई हैव enclosed my detailed resume. रिज्यूम है आपको वहां छोटा सा रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम कैसे बनाना है वो हम क्या करेंगे क्वेश्चन लेके देखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है थैंक यू लिखना है, योर्स फेथफुली लिखना है, फिर आपका एक वहां पर नाम लिखना है। क्या करने के बाद में यहाँ पे रिज्यूम बनाने के बाद में
यहाँ रिज्यूम हम बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि रिज्यूम हम कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको ये जितनी भी मैंने लाइनें लिखाई हैं फिक्स, ये लाइनें आपको याद करके रखनी है और एज इट इज लाइन आपको वहां पे लिखनी है। क्या चेंजेस करना है वो मैंने आपको वहां बता दिया है। जो पोस्ट है उस पोस्ट की जगह पे आगे मान लीजिए क्लर्क है, टीचर है, प्रोफेसर है, उसके बाद में मैनेजर है, जितनी भी प्रकार की जो भी पोस्ट है वो रिक्वायर्ड है, वो बस चेंज कर सकते हो, बाकी सारी सारी चीजें आपको एज इट इज ही लिखनी है। समझ आ गया? अब हम क्या देखेंगे, एक तो क्वेश्चन लिखेंगे और उसी क्वेश्चन का हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, फिर हम आंसर लिखेंगे कि कैसे आपको दोनों आ जाए तो कैसे आपको लिखना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग, और दूसरा हमने इसका विज्ञापन बनाया है, एडवर्टाइजमेंट बनाया है, ये दोनों समझने हैं। क्योंकि जब भी आपसे कोई भी जॉब एप्लीकेशन जब भी आपसे पूछी जाती है तो उसमें स्पेशली क्या होता है कि या तो आपको क्वेश्चन दे देगा या क्वेश्चन न देगा तो आपको क्या दे देगा, एडवर्टाइजमेंट दे देगा, और वो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन में लिख देगा कि अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। ओके, तो यहां देखिए पहले क्वेश्चन समझिए कि राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट। आप रिसेप्शनिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, आप तो या तो ये लिख सकते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो कम का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, साथ साथ, इसका मतलब क्या हुआ, साथ साथ, यानी कि आप रिसेप्शनिस्ट तो हो ही हो, समझे मेरी बात। दूसरे आपके पास में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की, यानी कि कंप्यूटर भी आपको चलाना आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी साइट एग्जाम में अगर जॉब एप्लीकेशन के लिए पूछा जाए तो शायद यही पूछ लिया जाए। तो देखो समझ रहे मेरी बात, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट क्या होता है, जैसे कि बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उसमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में जिससे आप कन्वर्स कर सकते हो, जो आपको अच्छे बुरे की कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, वो कंप्यूटर जो आपका जो रिसेप्शनिस्ट होता है, जो रिसेप्शन पे होता है, आओ भगत करने वाला होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट होती हैं, स्कूल मान लीजिए, कोई भी बड़ी संस्थाएं मान लीजिए, आप लोग हॉस्पिटल मान लीजिए, आपका बहुत सारे हर जगह पे आपको ये वाला रिसेप्शनिस्ट मिल जाएगा, वो ऑलमोस्ट फीमेल मिलती है। ओके डियर, तो ये वाला आपका एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर इन योर सिटी, यानी कि आपके लोकल न्यूज़पेपर में, इसमें ना तो कोई एड्रेस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, अब आपको अपनी ही तरफ से बनाना है। ये क्वेश्चन अलग है, ये तो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। बाय द वे आपको ये कहे कि ये एडवर्टाइजमेंट बना दिया जाए, इसमें देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। ये एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट की जा रही हैं इस पोस्ट के लिए फॉर ए होटल, यानी कि एक होटल है और उस होटल के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी एक कंप्यूटर ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। ये आप चाहे इधर से इधर ले आओ, चाहे इधर से इधर ले आओ, उसका मतलब है साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर साथ साथ में रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए, रिसेप्शनिस्ट साथ साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, बात एक ही आती है। फॉर ए होटल विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए उसकी, इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए आपके पास में क्वालिटी तो होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट उसी को बनाया जाता है जो बोलने में अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, और उसके अंदर थोड़ी बहुत भी क्या हो, एक्टिविटी, यानी कि वो एनर्जेटिक दिखना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट्स ऑफ आइदर सेक्स बिटवीन, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही, द एज ग्रुप ऑफ 28 to 35 बिटवीन 35 के बीच की एज होनी चाहिए, बड़ा भी नहीं होनी चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, हैविंग ए प्लेजेंट पर्सनलिटी, उसके बाद में अच्छी पर्सनलिटी होनी चाहिए। अप्लाई टू रमन मैनेजर, अब किसको अप्लाई करना, देखो इसमें लिख रखा है रमन मैनेजर होटल ग्रीन पार्क जयपुर विद इन ए वीक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के विद इन ए वीक, यानी कि इसके अंदर कोई भी डेट नहीं डाल रखी है, डेट आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, हम क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे तब। तो ये तो देखिए क्लियर, आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या देखेंगे, ये चीज पूछने के बाद में आपको पता चल गया कि पूछने का तरीका क्या है, कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ये सीखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे।
मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, वो फॉर्मेट अच्छे से आपको लर्न करना है, उसके बाद में उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सारा का सारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम बनाएंगे और आपके 5 मार्क्स इजीली वे में आपको गेट हो जाएंगे, आप उनको अचीव कर लोगे। ओके डियर, अब हम देखते हैं किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने देखिए, 112 डी कॉलोनी टॉन्क रोड जयपुर। ये कौन है जो लिखने वाला है, जिसने आपका जो क्वेश्चन का आंसर पढ़ा और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। अप्लाई कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपका एड्रेस हो जाएगा, कोई भी करने वाला जो अप्लाई करने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। उसके बाद में डेट आ गई, किस डेट को आप लोग लिख रहे हो। उसके बाद में आता है द मैनेजर, क्योंकि होटल का जो मैनेजर है उसी ने पोस्ट को क्या किया है, वहां पे पब्लिक करवाया है उसमें एडवर्टाइजमेंट में, तो हमने उसी को लिखा है द मैनेजर होटल ग्रीन पार्क जयपुर। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि आपका रिसेप्शनिस्ट किसी को भी चाहिए, एजुकेशन संस्था मान लीजिए, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल आ गया, द सेक्रेटरी आ गया, द ओनर आ गया, उसके बाद में उस संस्था का यहाँ पे नाम आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी का यहाँ पे क्या जाएगा, सेक्रेटरी आ गया, उसका क्या आ गया यहाँ पे, कोई भी मैनेजर आ गया, और फिर उसका एड्रेस आ गया। ओके, उसके बाद में आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर। ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेम एज इट इज आपको लिखना है, और वहां पोस्ट किस चीज की, मान लीजिए कैशियर आ गया तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर क्या आ गया, उसके बाद में मैनेजर की पोस्ट आ गया तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी, मतलब मैनेजर मैनेजर को नहीं लिखेगा वहां, जो दूसरा जो है जिसको जो मालिक है यहाँ पे, जो उसका जो चीफ है वहां पे, जो मुखिया है उसी को हम यहाँ पे एड्रेस में लिखेंगे। ओके डियर, इतना आपको समझ आ रहा है। उसके बाद में सेम टू सेम वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड, कब किस में हुआ, राजस्थान पत्रिका, किस डेट को हुआ, 5 जनवरी 2023 को ये पब्लिश्ड हुआ, उसका रेफरेंस आपको देना है। अखबार के अंदर कोई भी विज्ञापन आता है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका हमें यहाँ पे रेफरेंस देना है। ऐसे क्या पता चलेगा, हमेशा विज्ञापन इसलिए निकलवाना पड़ता है क्योंकि एक ये ऑथेंटिक चीज है। कोई भी पोस्ट होती है छोटी से छोटी, अपने गांव के अंदर जो स्कूलें भी होती हैं वहां पे भी अगर वहां कोई पोस्ट भरनी होती है टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो उसको भी अकॉर्डिंग टू जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग को लिया जाता है, बशर्ते ले कैसे भी, लेकिन विज्ञापन देना बहुत ही जरूरी होता है रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी द रेफरेंस आ गया, इतनी चीजें आपने देखी। उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर ये डेट आ गई, किस डेट को पब्लिश हुई थी। ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, अब आपकी जो पोस्ट है वो कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो नाम आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो इतना समझ आया आपको। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, उसका रिज्यूम वगैरह सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन पोस्ट का ध्यान रखना, उसके पोस्ट में जो आंसर जो दी हुई है वही पोस्ट हम क्या करेंगे उसमें लिखेंगे। अब आगे क्या था देखिए, उसके बाद में आपने बोला कि फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कम जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद में आपको आई एम राइटिंग टू यू एज आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम हेयर, यानी कि मैं आपको ये लिख रहा हूं ये जो सेम पोस्ट है यहाँ पे उसके लिए मैंने भी अप्लाई करने की इच्छा है। तो ये देखो सेम टू सेम लाइन, कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इस पोस्ट के लिए मैं क्या हूँ, एलिजिबल हूँ, योग्य हूँ। आई एम यंग एंड एनर्जेटिक, कुछ थोड़ा बहुत अपने बारे में लिखना है, मैं यंग हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मुझे स्पोकन इंग्लिश आती है, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, ये सारी सारी चीजें आप लिखोगे। आई हैव यंग एंड एनर्जेटिक एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, इसी फील्ड में मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, जो इसमें क्वेश्चन में लिखा ना कि भाई इंग्लिश आनी जरूरी है, तो यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर उसकी अच्छी कमांड है। इफ आई गेट ए चांस आई शैल प्रूव टू बी एसेट फॉर द होटल, यदि इसमें मुझे चांस मिलता है तो मैं एक होटल के लिए एक एसेट प्रूव होऊंगा। उसके बाद में आई हैव इनक्लोज माय डिटेल विद दिस लेटर, मैं मेरी जो डिटेल है वो इस लेटर के साथ में इनक्लोज करता हूँ। ये आपको सब में लिखना है यहाँ पे। इसके बाद में आपका एक रिज्यूम बनेगा, वो रिज्यूम आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको क्या पता चलेगा कि रिज्यूम के उसमें कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले वो लिखने से पहले आपको आई हैव इनक्लोज्ड,
मतलब उसके साथ में इनक्लोज करना, इनक्लोज करना होता है आपको लिफाफे में बंद कर रहा हूं मैं इस लेटर के साथ में। ओके डियर, हम आपका रिज्यूम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। ये आपका रिज्यूम है, इस रिज्यूम के अंदर आपको यहाँ पे कैपिटल के अंदर लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ आप इसको क्या करोगे, क्लोज करोगे। ध्यान रखना रिज्यूम जो होता है उस रिज्यूम के अंदर आपका नाम होगा, आपका फादर्स नेम होगा, आपका होम एड्रेस होगा, उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद में आपकी DOB होगी, जो भी आपका ईमेल है, सारी सारी चीजें जो है वो आपको इसके अंदर इंक्लोज करके रखनी है। ये रिज्यूम बनाना बहुत जरूरी है, इसको हम CV बोल सकते हैं, क्यूरिकुलम विटेज इसको अपने बोलेंगे, CV भी इसको बोलेंगे, रिज्यूम भी इसी को बोलेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बना देना है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये वाला जो रिज्यूम है इसका फॉर्मेट आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद में आपको यहाँ क्या लिख देना है, थैंक यू, आप लोग क्या लिखोगे, थैंक यू लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, योवर्स फेथफुली आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा डियर, योवर्स फेथफुली। यहाँ पे होम एड्रेस मैंने वेकेंट छोड़ा है, आप कोई भी होम एड्रेस जो आपको मैंने स्टार्टिंग वाला पॉइंट में जो एड्रेस बताया था वो आप यहाँ डालोगे, तो ये आपका रिज्यूम हो गया। इस तरह से आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। ध्यान रखना ये वाला फॉर्मेट बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप टोटली आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।